104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो। और जैसा कि हमने आपको पहले ही आगाह किया, अनाउंस किया कि आज हमारे साथ एक विभूति, एक बहुत बड़ी हस्ती, बड़ी शख्सियत, और आई एम वेरी प्राउड टू इंटरव्यू हिम, और ये हैं प्रोफेसर पंकज जैन साहब। पंकज जैन साहब के बारे में पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं बिफोर वी गो अहेड एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ही इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक लीडर इन सस्टेनेबिलिटी, जैन स्टडीज, फिल्म स्टडीज एंड डायस्पोरा स्टडीज। वैविध्य उनके जीवन में दिखता है एंड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स दैट ही स्टडीज। इज अ प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजियस स्टडीज एंड इज हेडिंग इंडिक स्टडीज एट अ फ्लेम यूनिवर्सिटी विच इज इन बॉम्बे। तो कुछ महीनों से वो हमारा साथ डैलस का छोड़ के अब बॉम्बे फ्लेम यूनिवर्सिटी के बच्चों की देखभाल कर रहे हैं और वहाँ पे प्रोफेसर हैं। एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट एंड वी वॉन्ट हिम टू गेट वाइस चांसलर वेरी सून इन दैट पोजिशन इन दैट यूनिवर्सिटी। एंड वेल, मैं ये बता दूँ कि अर्लियर ही वॉज द फाउंडिंग को चेयर ऑफ इंडिया initiatives group and associate professor in the department of philosophy and religion at the University of North Texas, and it is a tier one American university, and he holds a PhD from the University of Iowa and MA from Columbia University, and both in religious studies, and his BE was in computer science and from Karnataka University, इंडिया, वहां से किया है उन्होंने। एंड प्रोफेसर जैन हैज ओवर 25 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन बोथ एकेडमिक एंड इंडस्ट्री। वेल, ही इज करंटली वर्किंग ऑन हिज फोर्थ मोनोग्राफ, मॉडर्न जैनिज्म, ए हिस्टोरिकल अप्रोच, को एडिटिंग द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म एंड वॉल्यूम ऑफ इंडिया एंड इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट इन रिलीजियस। वेल, इन रिलीजन मेरी इनकी पहचान पहले तो गायबाना हुई, वो इस तरह से कि वो रेडियो सुनते रहे और मुझसे बहुत सारी बातें और कभी कभी अच्छे अच्छे सजेशन भी देते रहे। मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। पहले तो मैं ये बता दूँ, जैन साहब, आपका स्वागत है फाइनेंशियल रेडियो पर। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू चीनी जी इतना सम्मान देने के लिए। नहीं सर, आप तो डिजर्व करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है फाइनेंशियल पे जब हम बड़े ज्ञानी लोगों को इंटरव्यू करते हैं और उनसे कुछ बातें पूछते हैं। आपके उसमें लाइफ स्केच पे हम नजर डालते हैं तो बहुत सारी वैरायटी आपने, मुझे कुछ बहुत ही अट्रैक्ट करने वाले सब्जेक्ट उस पे भी आपने जैनिज्म वगैरह पे बहुत स्टडी करके बहुत सारी बुक्स वगैरह भी लिखी हैं। मैं चाहूंगा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं और साथ ही साथ आप अपनी तरफ से भी, मेरा सवाल अगर अधूरा हो तो आप जवाब में उस बात को इंक्लूड करके, उसको कंपाइल करके, आप इनकॉर्पोरेट करके उस सवाल को पूरा जवाब कर दें। मैं पहले तो ये पूछूंगा कि किस चीज ने आपको इंस्पायर किया, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ प्रोफेसर ऑफ इंडिक स्टडीज एंड इंडियन कल्चर आफ्टर कमिंग टू द यूएसए ऑन H-1B वीजा एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल? दिस इज क्वाइट अमेजिंग फॉर मी। थैंक यू चीनी साहब, आप उर्दू के शायर हैं और फिल्मों पे इतना शानदार प्रोग्राम करते रहे सालों से, तो आपको मैं उर्दू के शेर से जवाब देता हूँ। निदा फाजली साहब का एक शेर है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जब 26 साल पहले भारत छोड़ के मैं अमेरिका आ रहा था, तब जैसे जैसे भारत छूटता गया मेरे से, वैसे वैसे मेरी भूख और प्यास बढ़ती गई कि मैं जिस भारतीय, या हम सब अपने आप को भारतीय कहते हैं लेकिन भारतीय संस्कृति का कितना हमको ज्ञान है। क्या हमने कभी शिव कुमार शर्मा जी का संतूर या हरिप्रा चौरसिया जी का बांस के बांसुरी वादन के शास्त्रीय रागों का आनंद लिया? क्या हमने भगवत गीता पढ़ी? क्या हमने पुराने जो हमारे हेरिटेज है, जो अजंता एलोरा है या बद्रीनाथ केदारनाथ है, क्या हम वहां गए? फिर हम कैसे विदेशियों को क्या भारत के बारे में बताएंगे जब हमको ही नहीं पता, हमको ही नहीं पता, अगर गहराई से नहीं पता। सही बात। तब से मेरी शुरुआत हुई, वो यात्रा की शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे मैंने पूरा IT करियर छोड़ दिया पूरा ही, और फिर MA किया पहले रिलीजन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, फिर PhD किया, फिर प्रोफेसर बना, बुक्स लिखी, अब वापस भारत जाके और पढ़ा रहा हूँ भारतीय संस्कृति को, भारतीय विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ भारत में। बहुत व्यस्त हैं आप और बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये बताएं, व्हाट आर द टाइटल्स एंड थीम्स ऑफ सम ऑफ योर बुक्स? आपने लिखी तो काफी हैं, तो उनके थीम्स और टाइटल्स जरा बताएं। जी, सबसे लेटेस्ट तो है वो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म पब्लिश बाय स्प्रिंगर। उसके पहले करीब 2 साल पहले आई है मेरी तीसरी मोनोग्राफ, वो जो मैंने पूरी किताब अकेले लिखी, वो है
अकेले मोनोग्राफ वो होती है जो सिंगल ऑथर बुक होती है, तो वो राइट तीसरी किताब मेरी थी धर्मा इन अमेरिका, वाह अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ हिंदू जैन डायस्पोरा, वो अमेजोन पे अवेलेबल है। और सेकंड बुक थी मेरी उत्तराखंड बेस्ड, उत्तराखंड पे बेस्ड थी, मैंने बद्रीनाथ का जैसे नाम लिया अभी, तो 2012 में मुझे फुल ब्राइट फेलोशिप मिली थी अमेरिकन सरकार से, तो वो मेरी सेकंड किताब है मूविंग द माउंटेन्स साइंस एंड सोशियो रिलीजियस रेवोल्यूशन इन इंडिया। और अच्छा पहली किताब मेरी जो मेरी पीएचडी रिसर्च पर आधारित थी उस, वो पहली किताब का नाम है धर्मा एंड इकोलॉजी ऑफ हिंदू कम्युनिटीज सस्टेनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। वो पहली किताब बिश्नोई और स्वाध्याय और भील कम्युनिटीज के धर्म और पर्यावरण के संतुलन पर आधारित है। तो ये तीन मेरी मोनोग्राफ है और एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म और एक दो किताबें और चल रही है। सर बड़े कठिन कठिन विषय आपने चुने हैं और मुझ जैसे नाचिस की तो ये हैसियत ही नहीं कि उसको पढ़ें और समझें, और कुछ हमारे दूसरे लिसनर्स को भी मैं बताऊं वो भी पढ़ें, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा इसमें कोई शक नहीं है। और हम भारतीय कल्चर से दूर हैं और हमें अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन को इससे अवगत कराना चाहिए। और इसी भावना से ही मेरा जो टाइटल म्यूजिक, जो मेरे शो का जो सिग्नेचर म्यूजिक है, वो भी हरिप्रसाद चौरसिया जी के बांसुरी और शिव कुमार शर्मा जी की जल तरंग है, वो उसी पर ही आधारित है। और मैं यही कोशिश करता हूं कि हिंदी में हफ्ते में एक शो हो मेरे देश की धरती जिसमें पूरी तरह से विशुद्ध हिंदी का उपयोग हो। अच्छा ये बताएं, आपकी जो बुक्स हैं ये तीनों के तीनों अमेजोन पे अवेलेबल हैं? हाँ हाँ सब चीज अवेलेबल है, लाइब्रेरीज में भी अवेलेबल है, जैसे कोपल में मैं रहता हूँ तो कोपल लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है। ओके और सारी यूनिवर्सिटी की, दुनिया की 1000 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में भी अवेलेबल है, अफ्रीका से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इसराइल, जहां जहां भी इंडियन कल्चर पे या धर्म और पर्यावरण पे कोई कोर्स चलता है इंग्लिश में, वहां मेरी पहली किताब तो अवेलेबल है ही लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में, और अमेजोन पे भी वाइडली अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल। वी फील वेरी प्राउड ऑफ यू जैन साहब। अच्छा, हाउ डू यू कंपेयर एंड डिस्टिंग्विश द थ्री एंशियंट इंडिक ट्रेडिशंस ऑफ हिंदुइज्म, जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इन तीनों में कोई फर्क है या ऊपर से ही हमें यह अंतर नजर आता है लेकिन तीनों अंत में द बॉटम लाइन के वो एक ही है? तीनों में एक समानता यह है, सबसे बड़ी समानता यह है कि भारत से तीनों निकले, और कब तीनों शुरू हुए उसका सही सही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। कम से कम 2500 साल पुराने तो हैं ही तीनों डेफिनेटली। बुद्धिज्म को हम बुद्ध से शुरू करते हैं, लेकिन जैनिज्म और हिंदुइज्म का इतिहास उससे भी पुराना है। तीनों में बहुत सारी समानताएं हैं, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत वगैरह वगैरह, लेकिन तीनों में बहुत सारे फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन ओवरलैप्स भी हैं। तो तीनों का सबसे बड़ा एक, अगर एक एक संदेह एक एक वाक्य में समराइज करूं तो हिंदुइज्म में ये कहा गया कि पूरी सृष्टि दैवी है और ब्रह्म का निवास पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे कॉस्मोस में है। जैनिज्म कहता है कि हर सृष्टि के हर जीव को ये जीने का हक है, तो अग्नि, वायु और पृथ्वी में भी जीव है और उनमें भी आत्मा है, तो उनका भी उपयोग बहुत संभाल के करना है, उनका दुरुपयोग नहीं करना है, उन पर हिंसा नहीं पहुंचानी है। बुद्धिज्म का सिद्धांत ये कहता है कि हर कर्ण में बुद्ध का प्रतिबिंब है, बुद्ध का प्रतिबिंब है तो हर कर्ण सृष्टि का दैवी हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। हालांकि उन्होंने आत्मा को नगण्य, आत्मा को नहीं माना है, लेकिन बुद्ध के प्रतिबिंब को माना है, हर कर्ण में बुद्ध का प्रतिबिंब, तो वो दैवी। तो इन तीनों ने, इस तरह से तीनों ने पूरी सृष्टि को दैवी मान के ये कहा है कि दैवी है सृष्टि अगर, तो उसका हमको दुरुपयोग नहीं करना है, उसका संहार नहीं करना है, उसके प्रति हिंसा नहीं करनी है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे पौधे हो, पेड़ हो, नदी हो, रिवर हो, पत्थर भी हो, तो उनके प्रति कण कण में भगवान और पत्थर को भी पूजनीय माना है भारतीय संस्कृति ने। इसी का संदेश हमको तीनों अलग अलग धाराएं हमको देती है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। सर लगता नहीं है कि बहुत ही सूक्ष्म विषय को लिया है आपने और इसकी बड़ी गहराई से आपने अध्ययन किया है, तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और इसी तरह के पुस्तक हमारे और भी लाइब्रेरीज में अवेलेबल हों, इवन भारत में अवेलेबल हों, यहाँ पर भी हमारी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए, ये सारे ही आपके लिखे हुए इंग्लिश में ही है, हिंदी में कोई पुस्तक है? हाँ सर, हिंदी में कम नहीं है क्योंकि अमेरिका में मैंने पढ़ाई की, एम ए पी एच डी यहीं से की और यहीं पे पढ़ाया, तो अब तक इंग्लिश में करता हूँ, शायद इसीलिए मुझे डेस्टिनी ने इंडिया भेजा है अभी कि इंग्लिश में बहुत काम हो गया, अभी हिंदी में काम करो, भारत जाके भारत की सेवा करो, हिंदी अब मैं हिंदी में बोलता हूँ ज्यादा, हिंदी में लिखता हूँ ज्यादा, और हिंदी में अभी लिखने का और बढ़ाऊंगा, मैं किताब भी हिंदी में लिखूंगा। आपके लिए कुछ कॉल्स आ रही हैं लेकिन मैं वो ले नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय बड़ा मर्यादित है और मैं चाहता हूँ कि इस मर्यादित समय का उपयोग, उचित उपयोग किया जाए और मैं आपसे कुछ बातें पूछ लूं जैसा कि मैं चाहता हूँ। What are your current initiatives and future projects in India? Why did you move back? आप कह रहे हैं कि डेस्टिनी ने आपको बुलाया, तो ये यूनिवर्सिटी, ये क्या फ्लेम यूनिवर्सिटी नहीं है?
नहीं, करीब 10-12 साल पुरानी फ्लेम यूनिवर्सिटी है। जी भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हुई थी पिछले साल, उसमें हाँ ये अब कहा जा रहा है कि हमारे हमने क्या किया पिछले 50 सालों में, सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल स्टडी पे फोकस किया है, हाँ तो हाँ हमारी अपनी संस्कृति के बारे में हमको ज्ञान बहुत कम है, हमने पढ़ाई नहीं कॉलेज लेवल पे। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल स्टडी करनी है, एमबीए करना है, तो आपको ह्यूमैनिटीज के भी कोर्सेज लेने हैं, लिबरल आर्ट्स के भी कोर्सेज लेने हैं। तो इस समय ये जाना, मेरा भारत जाना बहुत ही उपयुक्त समय है, ताकि मैं भारतीय संस्कृति का जो अध्ययन मैंने अमेरिका में किया है उसको मैं एमबीए स्टूडेंट्स के साथ जोड़ूं, और मैं इंडिक स्टडीज, एक डिपार्टमेंट इंडिया में कहीं बहुत कम जगह अवेलेबल है, ये बड़े ही मतलब अजीब बात है कि भारत में भारतीय संस्कृति का अध्ययन बहुत ही कम होता है। अगर फिलोसफी का कोई विद्यार्थी है तो ज्यादातर वो फिर वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ता है, लिटरेचर का कोई स्टूडेंट है तो वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ता है, और हमारे ही देश में, हमारे ही विश्वविद्यालयों में हमारी संस्कृति का अध्ययन बहुत कम हुआ है। ये तो बड़ी शायद दुखद बात इसलिए है। मुझे जाने का मौका मिला, तो मैंने फिर ये स्वीकार किया, और ये मैं चाहता हूँ कि तो इंडिक स्टडीज का एक नया डिपार्टमेंट फ्लेम यूनिवर्सिटी में मैं शुरू कर रहा हूँ, और वहां पे संस्कृत और भारतीय भाषाओं का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय फिल्मों का, भारतीय साहित्य का, भारतीय संस्कृति का अध्ययन और शिक्षण और अच्छी तरह से किया जाएगा। बहुत सारी किताबें जो भारत में अवेलेबल नहीं है, जो इंग्लिश में लिखी गई, तो उन सब किताबों का भी को भी कैसे अवेलेबल कराया जाए भारतीय यूनिवर्सिटीज में, वो मेरा एक प्रयास रहेगा। अलग अलग कॉन्फ्रेंस में जाके, यूनिवर्सिटीज में जाके किस तरह से अपनी बात को रखनी है, और किस तरह से भारतीय संस्कृति का बढ़ावा भारत में भी करना जरूरी है, विदेशों में तो हो ही रहा है लेकिन भारत में भी करना है। तो ये सब काम करने के लिए जा रहा हूँ, और कुछ किताबें भी नहीं लिख रहा हूँ, जैन धर्म की किताब नहीं लिख रहा हूँ, और भी कुछ काम चल रहे हैं इसी तरह तो से। जैन साहब, ये बात आप बहुत फोर्सफुली इंडिया में बताइए कि हमारी जो संस्कृति है किस तरह से विकसित होती जा रही है, क्योंकि ऐसा न हो कि फिर काम की जो बातें हैं जैनिज्म पर, बुद्धिज्म पर, हिंदुइज्म पर, उस पर जो आपने लिखा है, इसी तरह की और भी पुस्तकें लिखी गई होंगी कुछ पहले के हमारे पूर्वज लेखक होंगे, तो वो आज के जनरेशन के लिए उनके सामने लाई जाए ताकि वो उसका बिल्कुल अध्ययन करें, और पूरे भारत के बिल्कुल अलावा पूरे विश्व में उसको पूरी तरह से लोगों के ध्यान में लाएं कि इन इज्म बिल्कुल का महत्व क्या है और क्या कहते हैं। जैसे कि जी आपने अभी संक्षिप्त में एक एक लाइन में तीनों इज्म का कंपैरिजन करके एक एक लाइन में आपने बताया कि सूक्ष्म है, समानता है, जी और फिर भी अनेकता में एकता है और एकता में अनेकता है। जी ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही है, और लेकिन इस पर मैं बिल्कुल आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चूंकि अब ऐसे सेंटर में हैं बॉम्बे में, आपके लिए बॉलीवुड भी वहां नजदीक है, इसके बिल्कुल अलावा आप आर्टिकल्स लिख लिख के भी लोगों में जागरूकता लाएं। इसके अलावा मैं जी आपसे आखिरी में ये पूछूंगा कि आपका मैसेज फॉर पीपल ऑफ इंडिक ओरिजिन लिविंग इन द DFW मेट्रोप्लेक्स एंड बियॉन्ड, क्या देंगे मैसेज आप? एक मैसेज तो मैंने आपका यही पकड़ लिया कि आपको इस बात का दुख है कि हमारे लोगों को, यहीं के लोगों को, इन सब्जेक्ट्स के विषय में, इन इज्म के विषय में कोई अधिक जानकारी नहीं है जो हमें प्राप्त करनी चाहिए। इसके अलावा आप और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त फन एशिया रेडियो पे हजारों की तादाद में, और हमारी फन बिल्कुल एशिया रेडियो की जो लिसनरशिप है दिन ब दिन हम सोच नहीं सकते उस तरह से बढ़ती जा रही है, और हम ऑल ओवर द वर्ल्ड अब सुने जाते हैं, तो आपका ये पैगाम, आपका ये मैसेज, ये बहुत दूर तक पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल चीनी साहब, ये बहुत गौरव की बात है कि आज डायस्पोरा, जितने भी डायस्पोरास हैं दुनिया में, उसमें भारतीय डायस्पोरा सबसे बड़ा है इन नंबर्स, ऑल्सो इन फॉरेन रेमिटेंसेस। हम इतने देशभक्त हैं या देश से इतना प्यार है कि सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा कोई कोई अपने मूल देश में भेज रहा है, तो वह भारत के लोग। तो बिल्कुल देश में पैसा तो भेज रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि देश को वापस दे रहे हैं, और विदेशी मुद्रा का भंडार भारत का बढ़ता जा रहा है, लेकिन भंडार हमारी मुद्रा का बढ़े इसके साथ साथ संस्कृति और ज्ञान का भी भंडार बढ़ना चाहिए हमारे दिलों में, दिमाग में, हमारे बच्चों को, जहां जहां भी हम दुनिया में जहां भी हैं, हमें ये गर्व होना चाहिए। गर्व है, और ये हम बड़े गर्व से ये कह सकते हैं लोगों को कि योग, ध्यान, शाकाहार, आयुर्वेद, भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय फिल्मों की परंपराएं, भारतीय साहित्य की परंपराएं और संस्कृति की परंपराएं अमर है, अमर रहेंगी, और उन सब का पालन हमको करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए करना है। पैंडेमिक फैला हुआ है पूरी दुनिया में, लेकिन अगर भारतीय संस्कृति के साथ हम चलेंगे, प्रकृति के संरक्षण में चलेंगे, संतुलन में चलेंगे, तो न सिर्फ हमारा अपना बचाव होगा, हमारे हमारे अपने स्वास्थ्य का हमारा का, का, का की संभाल कर पाएंगे, पर प्रकृति के स्वास्थ्य, पृथ्वी के स्वास्थ्य का भी ख्याल हमको रखना है, ताकि पर्यावरण को भी बचाना है, अपने स्वास्थ्य को भी बचाना है। इन सभी का संदेश भारतीय संस्कृति में मिलता है हमको, हमको उसका अध्ययन करना है, पालन करना है, दुनिया को बचाना है, और दुनिया के सामने ये पैगाम रखना है, ये एक संदेश रखना है कि संस्कृति हमारी जो है उसमें सारे सॉल्यूशन, सारे समाधान मौजूद हैं, उसका हमको सिर्फ अध्ययन की जरूरत है, उसके पालन की जरूरत है। एक एक पल पल का के लिए नियम है हमारे, जैसे सुबह उठे हैं तो क्या करना है, पहले किस
किस तरह से नहाना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से पानी पीना है, किस तरह से अध्ययन करना है, किस तरह से मेंटल इलनेस का ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखना है, इन सबके सोल्यूशन हमारे पास मौजूद हैं, हमको अध्ययन करना है और पालन करना है और दूसरों के साथ शेयर करना है, यही है संदेश। डॉक्टर साहब, पीछे कुछ दिनों पहले मेरी जब आपसे बात हो रही थी तो मुझे आपकी बातों से ये पता लगा कि YouTube पे आपने क्लासिकल रागों के विषय में भी आपने YouTube पे कुछ मटेरियल अपलोड किया हुआ है, उस विषय में संक्षिप्त में बताना चाहेंगे क्या है और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और आपके साथ कौन थे? बिल्कुल। हाँ, मैंने जब न्यूजर्सी में था 20 साल पहले, तो मैंने शास्त्रीय संगीत की कुछ तालीम ली थी मेरे गुरु मनोज गोविंद राज से, कुछ हद तक तो सीखा था मैंने, नहीं सीख पाया, बहुत बड़ा विषय है वो भी, लेकिन उनके साथ मैं हर हफ्ते एक एपिसोड रिकॉर्ड करता हूँ जिसमें एक एक राग को लेके हम फिल्मी गीतों से कंपेयर करते हैं, कौन से राग का किस तरह से फिल्मी गीतों में उपयोग हुआ है। आप भी चीनी साहब बहुत बार बताते हैं ये राग जोगिया पे आधारित है, राग जिंजोटी पे आधारित है, मालकाओं दरबारी वगैरह की भी आप जानकारी देते हैं किस तरह से फिल्मी गानों में उसका उपयोग किया गया। तो हर हफ्ते हम ये एपिसोड रिकॉर्ड करते हैं, करीब 40 एपिसोड हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। youtube.com/pankajjainindia मेरा चैनल है और मेरे पॉडकास्ट भी आज हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, Spotify, Google, Apple, Amazon, गाना, सावन, एवरी प्लेटफॉर्म हैज दिस पॉडकास्ट ऑल्सो एज ऑडियो एंड ऑल्सो ऑन यूट्यूब एज अ ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट इन विच एवरी वीक वी अपलोड दिस एपिसोड्स बेस्ड ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। आई ऑल्सो अपलोड सेवरल ऑफ माई ओन लेक्चर्स, सम कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, मेनी मेनी डिफरेंट टॉपिक्स, इंडियन कल्चर के डिफरेंट टॉपिक्स जो हैंडिक स्टडीज से ब्रॉडली रिलेटेड सारे टॉपिक्स में उन पॉडकास्ट पे और यूट्यूब पे अपलोड करता रहता हूँ हर हफ्ते। तो यूट्यूब पे कहाँ मैं ढूंढूँ ये एक बार फिर से बता दें हमारे सुनने वालों को? जी जी, youtube.com/pankajjainindia वन वर्ड, पंकज जैन इंडिया। और आयुर्वेद के विषय में भी ये तो बात आप करते नहीं है क्योंकि बहुत ही विनम्र है मैं देख रहा हूँ, तो आयुर्वेद के विषय में भी आपकी जानकारी काफी अच्छी है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो उस पर भी कोई पुस्तक लिखी है आपने? हाँ, मेरी जो तीसरी किताब थी चीनी साहब, धर्म इन अमेरिका, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ हिंदू जैन डायस्पोरा, उसमें एक चैप्टर मैंने आयुर्वेद पे ही लिखा था। उसमें मैंने अपने जो डेलस के लोकल आयुर्वेद एक्सपर्ट्स हैं, जो जिनका आप भी इंटरव्यू करते रहते हैं, डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता, डॉक्टर धंदा कुलकर्णी, उन सबका इंटरव्यू मैंने उस किताब में भी किया था और उन्हीं सबका विवरण उस किताब में है, मेरी किताब में है। उसमें पूरी मैंने हिस्ट्री ट्रेस, पूरा इतिहास, आयुर्वेद का इतिहास अमेरिका में, उस पर पूरा मैंने अध्याय लिखा था। तो डॉक्टर वसंत लाड जो आए थे न्यू मैक्सिको में करीब 1970s-80s में, वो आज भी हैं वहाँ न्यू मैक्सिको में, आज भी आयुर्वेद का वो प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से किस तरह से आयुर्वेद अमेरिका में आया, किस तरह से आयुर्वेद ने अमेरिका के स्वास्थ्य में किस तरह से योगदान दिया, इसी तरह से भारतीय शास्त्रीय संगीत का इतिहास क्या रहा अमेरिका में, उस पर एक और चैप्टर है। तो उसमें पंडित रविशंकर, उस्ताद अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, अली अकबर खान साहब, ये जो हमारे जो मैस्त्रोत रहे, जो अमेरिका में जो एक्टिव रहे, उन पे पूरा एक अध्याय इस तरह से वो, और इसी तरह से जैनों का इतिहास क्या रहा अमेरिका में। तो एक अध्याय जो है अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है हमने अपनी वैल्यू से, नॉन वायलेंस से, शास्त्रीय संगीत से, आयुर्वेद से, योग से, उन सब पे एक पूरी किताब है, धर्म इन अमेरिका, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड डायस्पोरा, ये अमेज़न पे अवेलेबल है। तो जो यूट्यूब पे रागों पर आपके जो शोज हैं वो अवेलेबल हैं, तो इसी तरह से आपके किसी पुस्तक में भी आपने इसे कवर किया है जो रागों के विषय में हम जानकारी है? रागों पे तो नहीं है, लेकिन शास्त्रीय संगीत का इतिहास जरूर उस किताब में मैंने, धर्म इन अमेरिका में एक चैप्टर है, एक चैप्टर, लेकिन रागों पे तो सिर्फ यूट्यूब पे भी। हाँ जी जी, तो यूट्यूब पे जो है उसे आप परिवर्तित कर सकते हैं लेखनी में और लोगों के लिए भी ये अवेलेबल हो तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, एक सेवा हो जाएगी संगीत के प्रेमियों की। कोशिश करूंगा कि उसकी भी एक किताब बन जाए, एक एक चैप्टर एक एक राग पे बन जाए, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। बहुत बहुत कम उम्र में आपने बहुत काम कर लिया है ये नजर आ रहा है, मैं आपको इस वक्त देख रहा हूँ तो मुझे लगता है आपकी उम्र 30 और 35 के दरमियान होगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। अभी मन से होती उम्र, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा जैसी हमारी कहावत भी है, तो आई फील आई एम ओनली 20 or 25 एंड आई हैव अ यू नो वेज टू गो एंड आई थिंक दैट इज द स्पिरिट दैट आवर कल्चर टीचेस अस दैट बी ऑलवेज एक्टिव। चरैवेति हमारे उपनिषदों में कहा गया है, चरैवेति मींस चर एव इति मींस कीप वॉकिंग, कीप मूविंग, कीप ग्रोइंग, कीप डेवलपिंग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड कीप स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ आवर कल्चर। आप मिसेस जैन यानी हमारी भाभी जी को ये कहिएगा कि आज आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिली है कि आप 30-35 हैं, वो शायद नाराज होगी, कहेंगे इतनी ज्यादा उम्र क्यों बताई उन्होंने। थैंक यू, आई विल ट्राई माय बेस्ट।
चीनी साहब आप खुद भी, आप तो सबसे बड़ी सेवा आप करते हैं, आपसे मुझे, मैंने आपका एक भी एपिसोड छोड़ा नहीं, जब भी मैं डैलस हूँ आपका एपिसोड अगर रिपीट भी है लेकिन वो हमेशा कुछ नई बात आप सिखाते हो आप हम सबको, नहीं तो नहीं वेरी वेरी आप इंस्पायरिंग शोज, आई ये, जस्ट लव योर शोज। नहीं आपका बड़ा प्रेम रहा, आपने शुरू से ही मुझे बड़ा सम्मान दिया मेरा हर शो, बहुत और उसके बहुत बाद बहुत आप अपने कमेंट्स भी देते रहे हैं, और इससे भी बिल्कुल मैं धन्य हुआ हूँ। आज आपने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि मैं आपका एक छोटा सा इंटरव्यू कर सकूँ, हालांकि मेरी इच्छा तो और भी दीर्घ इंटरव्यू हो, 1-1.5 घंटे का, जिसमें हम आपसे और बातें करें, लेकिन भविष्य में ये वादा है कि एक बार हम जरूर जी, करेंगे। और आज मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ फनेशिया रेडियो की तरफ से, और हमारी वैशाली जी और सैम साहब जो हमारे रवा दवा हैं, पूरे काम पूरे ध्यान से ये रेडियो को चला रहे हैं और उसे ऊपर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपका इंटरव्यू कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन एयर। ओके।